बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों नूं अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल जट जिमीदार विलॉग्स दे नां तों। इहनूं सबसक्राइब भी करना, लाइक शेयर ते कमेंट भी करदे रहना और सानूं गए बगाए साडी कमी कताई भी दसदे रहना। ते रोज़ दी तरह अज भी असीं इक मटरां दी फसल च खड़े हां, लेकिन इह तुहानूं नज़र आ रहा होना है कि ये मटर की जी फसल है इन वलों की कंडीशन हुई भी है। देख रहे हो इन दी जी तड़ाई हो चुकी है, और कोई भी मटर ने किडे भी चंगे ने, लेकिन जो तड़ाई हो जाती उनकी वलों की पोजिशन इस तरह की हो जाती है। चेक कर रहे हो इनकी जी पहली तड़ाई हो चुकी, अलीना भी और ये वो मटर ने जेडे मैं तुहानू एक दिन वीडियो दस्या सी कि असी सब तो चंगे मटर इन्हां नूं गिणदे सां अपने इलाके च। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 35 तोड़े च निकले ने, ठीक ते बाकी तुसी देख रहे हो फल तो माशाल्लाह अली फलियां तुसी चेक कर रहे हो है। लेकिन एक गल मेरी याद रखना, तड़ाई सिर्फ पहली हुंदी है, जिहड़ी एवरेज हुंदी ना जी वो पहली तड़ाई च जाहिर हो जांदी। अगर इन्हें हम 35 तोड़े निकल गए ने ना, ये हम दूसरी तड़ाई से 37 नहीं निकल सकते, 10-15 वक्त बाद। बस हम किन्ने भी को अच्छे मटर है ने, किन्ने भी अच्छे मटर ने, अगर उन्होंने 100 तोड़ा निकलिया तो दूसरी तड़ाई के 102 नहीं निकलने, 50 ही निकलने। वेख लें वल की कंडीशन की हुई भी, क्योंकि चूणियाँ जदों चुनाई कर दियां ने वल अगे पिछे हो जाती, नाल मटर टुट जाते, वल कोई खराब हो गई कोई टुट गई, उनकी वजह नाल ते उस तो हट के भी जिहड़ी चंगी फली ते चंगा फल हुंदा वो पहली तड़ाई च टुट जाता, बाकी पिछे तो रहिंद खूंद ही रहिंदी। बाकी अज असीं तुहानूं वो बीज के मुतलक भी दसने कुछ साडे भरा जड़े ने वो बीज किवें तैयार करते हैं। वो बीज इस तरह तैयार करते ने कि जिवें इस भाई उन्होंने हुण जी तड़ाई कर ली, जिन्हें भी तोड़े निकल गए ने अच्छे मटर होणगे तो उन्होंने 100 तोड़ा भी 150 तोड़ा भी, लेकिन 150 तोड़ा ये वरायटियां नहीं कड़दियाँ पहली तड़ाई के होर वरायटियां ने, उनके बारे में इंशाल्लाह तुहानू जल्द दसांगा। या देख रहे हो माशाल्लाह फलियां वाली खड़ियां ने, लेकिन पहली तड़ाई के एवरेज जी ना जी पता चल जाता भी किन्नी कि निकल सकती। हुण 100 तोड़े वाले पासे तो जा नहीं सकते, वो तो वह 50-52-55 पिछले 35 पा के नवे नहीं, ठीक। अच्छा बीज के मुतलक तुम दस रहा मैं कि कुछ लोग जड़े ने भाई साढ़े वो फर्ज करो इस तरह तड़ाई कर लेंगे ने पहली चंगा फल चुक के तो मंडी लै गए, पिछे जी रहिंद खूंद बचती है। तो देख रहे हो ए फलियां ए जड़ी जड़ी फलियां, ठीक है ए चीज और ए फलियां ए चेक करो और ए चीज बस रहिंद खूंद। कई साढ़े भरा ऐसे भी ने जेडे दो चुनाइयां कर लेंदे ने, हुण वेखो एक चुनाई करन तो बाद जेड़ा जी फल दी की पोजिशन हो गई है और मटर दे इस दी की पोजिशन हो गई, क्योंकि चंगा फल तो विक गया पिछे फलियां रह जांदियां ने ते कई भाई तो दूसरी तड़ाई कर लेंदे ने।
और कई भाई जड़े ने साडे जिमीदार भरा जड़े ने वो इनकी मसलन हम तड़ाई कर ली है पहली है धुप्पा शुप्पा निकल गया थोड़ा जहा ये फली च जान आ जाएगी ठीक है इन्हों जनाब पुट लैन गए पुट के तो जनाब बहर फट के कट देंगे और इन्हों को पांच सात धुप्पा चंगी लग गई तो सुक जाएंगे उस तो बाद मशीन तो कट के जनाब तो बी तैयार कर लेंगे और कहेंगे जी माशाल्लाह असी इन्ने तोड़े वेच भी लैने तो इन्ना साडा बी भी बन गया। और होना की है जो जाओ मार्केट च तो कई ऐसे भाई जो मैं कह रहा कि वो दो चनाइया कर लेते हैं तुम दसो भी एक चनाई जी की उस तो बाद फल की पोजिशन देख रहे हो और जो इन दूसरी चनाई होएगी और जी चंगी कुछ चार फलियाँ के नज़र आ रही ने यह भी मंडी चली जाएगियाँ तो पिछले यह चीज़ा जो बचनिया ने यह चीज़ा ठीक है निकी निकी फली बच जाएगी उन्हें की बीज निकलेगा और उस बीज की की सूरत हाल होएगी तुम खुद जजमेंट कर लो इस चीज़ की कि जो फल तो असी मंडी वेच लिया तो बाकी जड़िया फलियां ने छोटी छोटिया इस तरह दाद तैयार होना है उन्होंने की बीज होएगा वो फिर जो साढ़े भाई ने तूड़ी 5-7 हज़ार की वेच ली ठीक है तो बाकी कोई 5-7 तोड़े किले के बीज निकल आए वो जनाब उन्होंने रख देने होंगे कोठे के नुक्कर के ला के वो अगले साल पहली गल खुद तो काश्त करे नहीं जो साउथ कदीरी कर ही लैन गए तो उन्होंने एवरेज का उन्होंने खुद ही पता चल जाता भी कि तो बाकी होंगे इस तरह मैं ज़्यादा अक्सर कोई जो 5-7 तोड़े पै होंगे ने जो मेरे भरावान नहीं पता होंगे उन्होंने जनाब वो सेल कर देंगे और मेरे भाई जोड़े फसते ने किमें फसते हैं वो इस तरह जनाब कि मार्केट के अगर 15 हज़ार में बी विकता पाया 18 में विकता पाया उन्होंने कुछ 1000 सस्ता दे देंगे तो भाई मेरे जड़े ने वो सस्ता वेख के तो वो लै जाएंगे वो बेचारे ने पहली टाइम या सैकंड टाइम या जो भी दूसरा काश्त करना हों वा उन्होंने इन्ना एक्सपीरियंस नहीं हों क्योंकि जो जानी जार बंदा वा वो इन चीज़ों जज कर जाता उन्हें पता चल जाता है कि बी दी की सूरत वाला बी वेख के उनकी जजमेंट हो जाती है जोड़ा नवा बंदा बेचारा वो फस जाता वो जो बी लै जाएगा उन्हें तो बेचारा खर्चा भी करेगा क्योंकि उन्हें पहली बार या दूसरी बार बीजे होंगे खर्चा करन तो बाद पहली गल तो उन्होंने जर्मीनेशन ही नहीं सही होनी वो इन्ना खर्चा करता वा उन्हें वाह ते खाद ते उनकी जर्मीनेशन नहीं सही होएगी अगर जर्मीनेशन को थोड़ी बहुत हो भी गई तो फिर उनका फल अच्छा नहीं रहेगा उनकी एवरेज नहीं आएगी हुण वेचण वाले तो आपके पैसे खरे कर लैन लेकिन नुकसान अगले बंदे का कर दिता उसने बेहतर है कोशिश ये करया करो मेरे जिमीदार भरावो कि जेड़ा तुसी बी खुद तैयार करना हुंदा वा बल्कि जेड़े बंदे खुद बीज देने वो भाई बी जेड़ा अच्छा तैयार करते हैं बाकी वो जिन्ना अगर सेल करना हुंदा जां अगले बंदे नूं फसाना हुंदा वा वो इवें दी हरकतां करते हैं तो और अगले बंदे दा नुकसान भी करते हैं तो बेसिकली खुद अपना भी नुकसान कर रहे हुंदे ने ये गल नहीं कि किसी का तुसी बुरा सोचो कि तुहाडा अच्छा होएगा ये कभी भी तुसी ना सोचना तो बेसिकली वक्त वक्ती तौर पर उन्होंने मुनाफा लग रहा होंगे कि असी मुनाफा कमा लिया अगले बंदे ने धोखा देता लेकिन नहीं वो तुसी धोखा अपने आप ना कर रहे हो अगला बंदा तुहाडे ते इतमाद करता इहदा यह मतलब नहीं कि अगले बंदे नूं तुसी लुट लो ठीक है उन्होंने वक्ती तौर नुकसान होएगा लेकिन अल्लाह ताला उनका नुकसान पूरा कर देगा लेकिन जेहड़ा तुसी उस बंदे ने नुकसान किया वा तुहानूं खुद भी तुहाडा वो नुकसान होएगा तो लेकिन जेहड़े बंदे ने बीज लेना हुंदा है वह भी थोड़ा जिहा वेख सोच के अच्छी कंपनी का या किसी अच्छे इतमाद वाले बंदे को लिया करन एवें ना जिस तरह मैं तुहानूं दिखा रहा वा कि अच्छा बीज तो असी मार्केट च सेल करके कर लैने अच्छी फली जिहड़ी असी मार्केट च भेज देने उस तो बाद रहिंद खूंद जिहड़ी कढ़ा के तो तूड़ी 5-7 हज़ार की वेच ली ठीक है तो उस तो बाद जिहड़ा बीज बच जाता है फली क्योंकि टुट तो सकती नहीं होंगी बाद जी फली रही क्योंकि चोणिया भी जड़िया ने अगर उन्होंने भी उन्होंने भी दिहाड़ी ना बने तो वह भी जड़िया ने जी
ये फली बिल्कुल नहीं तोड़दियाँ, क्योंकि अगर एक दो दिन तोड़े उन्होंने डेली दे ना वो तोड़ाई करन तो उन्होंने भी खर्चा नहीं बनता या पूरा नहीं होंगे। तो वो जो मेरे भरा ने फिर बीज बना के ते अच्छे बैगों च पा के या थोड़ा इन्हें साफ सुफ करा के ते कई जिमीदार भरावान का नुकसान कर देंगे ने। तो बाकी जड़े मेरे जिमीदार भरा ने मटर बीजना चाहन अच्छा बीज लैके जनाब किसी अच्छी कंपनी का या किसी अच्छे बंदे को सेहतमंद जड़ा बीज है ना जी वो बीज बीजा करन। तो जेडे ज़्यादातर लोग ने इस तरह का बीज जो ना हर बंदे को जो बीज पिया होंदा वा ज़्यादातर लोगों को हर बंदा भी ठगी वाला नहीं होंदा, मैं नहीं कहता कि हर बंदा ठगी वाला वा, बड़े लोग अच्छे पै ने लेकिन कुछ अच्छियां दे विच कुछ बुरे लोग भी होंदे ने जिहड़ा किसी का नुकसान करते हैं। बेसिकली नुकसान किसी का नहीं कर रहे होंगे, वो अपने कर रहे होंगे ने लेकिन वक्ती उन्होंने फायदा हो रहा होंदा। वो तुसी आ देख रहे हो कि इस तरह दियां फलियां ने जनाब उन्होंने वलां नूं पुट के बाहर कढ के तो बीज तैयार कर लेंदे ने, तो अगले बंदे का भी नुकसान हो जाता क्योंकि 3 महीने 4 महीने एक बंदे ने एक फसल से खर्चा करना ठेका भरना, उस तो बाद अगर उस बंदे का नुकसान हो तो खुद देख लो 2-4 हज़ार पिछे उनकी पूरी फसल नुकसान हो जाती, उनकी पूरी छमाई मर जाती। तो बाकी असी जिनी आपके किसान भरावों को गाइडलाइन दे सकते इंशाल्लाह देंदे रहेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो याद रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।